आप चलें? चलते हैं, लेकिन पहले ये शर्ट उतारो। तुमने अंदर टी शर्ट तो पहनी है ना, और वो स्लीवलेस भी नहीं है, तो निकालो इसे। पर क्यों जानू? निकालो कि मैं देखो आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो, वरना बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूंछ, बूढ़े लगते थे। वर्जिन? क्या तुम अभी भी कुमारे हो राम? जी, ये कैसी बातें कर रही हो जानू? तो ये सच है? जी, सिंगापुर जाकर बिगड़ गए तो। चलो चलते। हाँ, तो तुम मुझे नहीं बताओगे? जानू चलो, देखो लेट हो रहा है हम लोग। मैं कुछ भी पूछूं तुम बिना बताए बच के निकल जाते हो। हाँ, टी-शर्ट छोड़ दो, देखो फट जाएगी। तो मुझे बताओगे या नहीं? अरे क्या बताऊंगा या नहीं, क्या तुम अभी भी जानो, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे सब कार में बता दूंगा, अभी छोड़ दो। पागल। यही बताओ। अब कैसे बताऊं? कसम खा के बताओ। इतनी सी बात के लिए कसम क्यों खाऊं? हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुमने वहां से यहाँ तक आते हुए कोई ना कोई बहाना जरूर सोचा होगा। जानू मेरे सर की कसम। मैं वर्जिन हूँ। देखो तुमने जिद किया तो मैंने बता दिया, अब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। क्यों, क्या हो गया? मैंने हनुमान जी को वचन दिया था, अब तुम गाड़ी में बैठो प्लीज। क्या ये सच है? अब क्या है? ईगो में कोई कमी नहीं, पूरे भैंसे हो गए हो, उम्र क्या है तुम्हारी? अरे रहम करो और बंद करो ये टॉपिक, तुम बार बार पूछती हो ना तो मुझे शर्म आती है। इतने साल हो गए, क्या तुम्हें प्यार करने लायक अब तक एक भी लड़की नहीं मिली? किसने कहा कि प्यार नहीं हुआ? हाँ, मैं वही सोचूं। अब जरा मुझे उसका नाम तो बता दो। क्या? लड़कियों को तो तुम्हारे जैसे सीधे साधे लड़के हमेशा पसंद आते हैं, तुम्हें कोई लड़की कैसे नहीं मिली? मेरे जैसे लड़के मतलब? तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुम पे फिदा हो सकती, फिर भी तुम कुमारे हो। हाँ क्यों, तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा? तुम भी ना जाओ। अरे अरे अरे, ओ, बहुत हुआ तुम्हारा शर्माना, अब बताओ। हाँ, चारू। पूरा नाम? चारूमती। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी, बहुत अच्छी थी और खूबसूरत भी। कॉलेज में तो कभी कुछ नहीं कहा उसने, बस एक दिन अचानक कॉल किया और कहा कि कुछ बात करनी मुझसे, और बोली कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा अरे वाह कॉन्ग्रेट्स, तो बरस पड़ी। क्या कहने लगी, अगर मैं हाँ कहूँ तो अपने मॉम डैड को ले आएगी घर पे। तो तुमने उसे क्या कहा? अरे मैं क्या कहता, मैंने तो सोचा भी नहीं। तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने कहा ना मेरे पास जॉब है ना घर है मैं। तो उसने क्या कहा? वो तो कुछ सुनी नहीं रही थी। फिर उसके बाद जब उसने बहुत जिद की तो मैंने सब सच बता दिया। क्या सच बताया? तुम्हारे बारे में। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर फोन रख दिया उसने। 3 महीने बाद उसकी शादी का कार्ड आया, उसने मुझे कॉल करके बोला कि पिछली बातें भूल जाओ और शादी में जरूर आना। तो तुम शादी में गए? मैं कैसे जाता जानू, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती थी, उसे बहुत अजीब लगता नहीं, इसलिए नहीं गया।
मुझे समझ ही नहीं आया था कि तुम मुझे बिना बताए उस दिन कैसे चले गए, और आज इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात होगी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ना तो मैं तुम्हारे बारे में पता कर पा रही थी, ना तुम्हें भूल पा रही थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, बहुत मुश्किल से मैंने अपना 12th पास किया। शादी ना हो जाए इस वजह से मैंने अपनी डिग्री भी पास कर ली। जब कभी भी अपने स्कूल फ्रेंड से मिलती थी तो मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी कि शायद वो तुम्हारे बारे में कुछ बता दें। अगर कोई भी तुम्हारे जैसे दिखता था तो तुम्हारे धोखे में उसके पीछे पागलों की तरह भागती थी कि शायद तुम मुझे मिल जाओ, लेकिन तुम कहीं नहीं दिखते थे। और फिर उसी दौरान मेरी बड़ी बहन ने चुपके से भाग के शादी कर ली। उसके 3 महीने बाद मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पापा मेरी बहन से बहुत खफा थे, इसलिए मैं उनका गुस्सा देखकर उन्हें शादी के लिए मना ही नहीं कर पाई। वैसे भी मैं उनसे क्या कहती कि मुझे 10वीं क्लास के एक लड़के से प्यार है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं अपनी शादी वाले दिन भी बहुत दुविधा में थी। मुझे लगा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आओगे। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन भी मुझे बार बार यही लग रहा था कि तुम वहीं कहीं आसपास ही हो। उस दिन मैं तुम्हारा ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे तुम अभी आ जाओगे और मंडप में मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलोगे कि चलो जानू मेरे साथ चलो, जैसे फिल्मों में हो जाता है वैसे ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। और मेरा दिल टूट गया। जब भी मैं बहुत उदास होती हूं तो जानते हो मुझे कौन याद आता है? राम, 10th क्लास का रामचंद्र मोहन। क्या हुआ सर? बहुत रात हो गई है, गेट को ताला लगाना है। आप गाड़ी हटा दीजिए ताकि मैं ताला लगा सकूं। राम, तब से मैं रोज इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं कब तुमसे मिलूं और तुम्हें ये बातें कहूं। तुमसे नहीं कहती तो और किससे कहती बताओ? इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राम, यानी मैं तुमसे मिलने कॉलेज आया था और एक लड़की के हाथ तो मैंने चिट्ठी भी भेजी थी तुम्हें, ये सब कुछ तुम्हें नहीं पता? कब आए थे राम? मैं आया था जानू। क्या बोल रहे हो? क्या क्या तुम सच में आए थे? सिस्टर, एक मिनट। ये पूछना। अरे
सेकेंड ईयर साइंस की जानू जानकी देवी को बुला देंगे, प्लीज बात करनी है। लव मैटर है? अरे जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है, ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं, काफी दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, और ये विमेंस कॉलेज है इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम लोग हैदराबाद से आए हैं, अगर आप बस उसे इन्फॉर्म कर दे तो। इसके लिए आप हैदराबाद से आए हैं? हाँ सिस्टर। तुम्हारी हालत देख कर मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है मैं मदद कर दूंगी, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बस उससे मिलना है और बात करनी है, प्लीज। उसका नाम क्या है? एस जानकी देवी, लिख देता हूँ। पहन देंगी। ए, उसके डैड का नाम लिख दे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कर देते वैसे ही दिन खराब चल रहे हैं, और अगर कोई दूसरी लड़की भी इसी नाम की हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ। ओके। तुम्हारा नाम क्या है? गे रामचंद्र। रामचंद्र। ए, वापस कहाँ जा रही है? जानकी देवी? हाँ मैं हूँ। क्या नाम था उसका? तुमसे मिलने कोई लड़का आया है, बाहर गेट पर खड़ा है। हाँ क्यों री, तुम कोई मैसेंजर हो? यही सब करने के लिए कॉलेज आती हो क्या? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बता दो, प्रिंसिपल से कह के टीसी दिलवा देती हूँ। सुनो, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो एक थप्पड़ मारूंगी तुम्हें।